हाय एवरीवन। सो आज हम लोग सीखेंगे काफ़ी सारी हेयर स्टाइल्स, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल होती हैं जो बहुत सारे लोग बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वी विल जस्ट लर्न द बेसिक प्रोसीजर्स एंड द स्टेप्स कि आप कैसे अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। तो फिर उसको स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक फेस या फिर एक हेड, ठीक है। अगर आप फेशियल फीचर्स बना लेते हैं तो बनाइएगा, अदरवाइज आप एक प्लेन ऐसे हेड को भी बना के उसको ट्रेस कर सकते हैं, और ट्रेस करके यहाँ यहाँ हर ब्लॉक्स में उसको आप बना दीजिए अपने हिसाब से, जैसे मैंने पूरे अपने कॉपी को ऐसे पोर्शन में डिवाइड किया हो। तो एक दिस इज़ लाइक 6 पोर्शंस, तो काफ़ी थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग, जिससे कि आप लोग को भी क्लियरली दिखना चाहिए, और अपने कॉपी पे भी काफ़ी थोड़ा बड़े स्केचेस बनाने स्टार्ट कर बनाइएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक ये टेम्प्रेरी एक हेड बना लिया है, ठीक है। मेक श्योर कि ये सीधा होना चाहिए आपकी कॉपी में, आप इसको प्लीज़ मेजरमेंट कर लीजिएगा कि ये सीधा ही बनना चाहिए, है ना। जैसे कि इसमें देखिए थोड़ा सा इधर साइड से मुझे एक्सटेंड करना है। डू नॉट फॉरगेट टू मेक ईयर्स, ठीक है, क्योंकि ईयर्स भी हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, हेयर स्टाइल में भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ईयर्स, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके ऊपर आपको कम से कम थोड़ी ज़्यादा मार्जिन छोड़नी है, बिकॉज हेयर स्टाइल वगैरह हमारी यहाँ पे पूरा आएगी, इसलिए हमें नीचे के साइड में सिर्फ नेक को डिस्प्ले करना है, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने एक ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेस दिस फिगर, जिससे कि मुझे ये आगे भी हर तरफ यूज़ करने में आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेस कर लिया है, तब ये सेम फिगर मैं हर तरफ ट्रेस करती जाऊँगी इसको, ठीक है। जैसे कि देखिए अब मैं इसको शिफ्ट करती हूँ इधर इस साइड पे, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रेस करेंगे, फ्लिप योर ट्रेसिंग शीट, ठीक है। फिर फ्लिप करेंगे हम लोग, और फिर से उसको ऐसे यहाँ पे प्लेस करेंगे, और अब मैं उसके ऊपर ही ड्रॉ करूँगी, ठीक है। इसके ऊपर ड्रॉ करने से ये होगा कि हमारे पीछे जो है वो स्ट्रक्चर छप जाएगा, सी लाइक दिस, ठीक है। इसलिए फ्लिप करना ज़रूरी है, हमारे पेंसिल का जो वो होता है ना, ग्रेफाइट होता है, वो इसीलिए ट्रेस करने में आसानी होती है, इसीलिए पेंसिल से ही ट्रेसिंग की जाती है ज़्यादा टाइम, ठीक है। क्योंकि कार्बन शीट्स वगैरह जो होती हैं वो काफ़ी आपकी कॉपीज़ को ख़राब भी कर देती हैं। मैंने ट्रेस कर दिया है, ये देखना पीछे भी आ जाएगा, सी है ना। अब मैं इसको फिर से फाइनल फिनिश कर दूंगी, जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही सेम आ गया है। ओके गाइस, या थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा तो उसको आपको इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि इम्प्रूव नहीं किया, देखा मैंने। अब ऐसे ही है हम लोग पूरे इसमें फिगर्स कंप्लीट कर लेंगे अपने पूरे अपने कॉपी पे, ठीक है। ओके, तो मैंने ये सारे के सारे फेसेस मैंने एक साथ पूरे पूरे अपने जितने मैंने ब्लॉक्स बनाए थे उसको पहले सब पूरा ट्रेस कर लिया, ठीक है। यूजिंग द सेम फिगर, मैंने इसी को फिगर को यूज़ किया, इसी को मैंने आगे पीछे ट्रेसिंग करती करती के मैं बार बार, जैसे एक बार मैंने यहाँ रखा फिर ट्रेस किया, ठीक है। तो इसमें पीछे ऑलरेडी यहाँ लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। फिर मैंने ट्रेस कर फिर मैंने उस पर पेंसिल से उसको डार्क कर दिया, वापस से मैं इसको इसको फ्लिप करूँगी, फिर मैं आगे बढ़ूँगी, फिर मैं यहाँ पे भी रखूँगी, और फिर इसको भी सेम ट्रेस कर लूँगी, तो फिर से हमें एक पेंसिल का मार्क मिल जाता है, ठीक है। सेम वे यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस अंटिल यू ट्रेस, आप ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स आप अपनी ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं हम कैसे ट्रेस किए हुए फेस पे हम कैसे हेयर सेल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले शॉर्ट हेयर सेल से ही बताती हूँ, है ना। तो पहले सबसे पहले ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक हेयर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपका हेयर लाइन जो है आपके कान के पास से ही आना चाहिए। तो ऑलवेज ड्रॉ दैट हेयर लाइन विद यूजिंग डॉटेड लाइन्स। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने इसके बीच में कुछ थोड़ा डिस्टेंस रखा हुआ है। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, आपके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो इससे मैं कुछ नहीं, इसे आपको सिंपल, आप सपोज करो आपको एक सिंपल कोई भी हेयर स्टाइल बनानी है, तो यूजिंग पेंसिल और उसके स्ट्रोक्स को यूज़ करते हुए यू हैव टू मेक इट। ठीक है, सपोज, ठीक है, सबसे पहले सपोज करो मैं एक सॉफ्ट कर्ल्स बनाती हूँ। ठीक है, तो सॉफ्ट कर्ल्स बनाने के लिए मैं पहले अपना जो भी फेस है उसका एक सेंटर पार्ट देख लूँगी कौन सा है। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये रखा अपना स्केल यहाँ पे, मैंने देखा मेरे फेस का जो भी सेंटर लाइन है वो मैंने ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, एग्जैक्टली मेजरमेंट के साथ। ठीक है, तो अब मैं इस पे ड्रॉ करूँगी। सॉफ्ट कर्ल्स बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे जो है एक कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी स्मूथली, जो कि ऐसे आपके बालों को पीछे की तरफ ले जाना है आपको। ठीक है, सॉफ्ट कर्ल्स में क्या होता है कि आपके बाल जो होते हैं फीमेल हेयर सेल्स जो होती हैं वो जो है पीछे की तरफ फोल्डेड रहती हैं। ठीक है, ऐसे पहले आप आगे के बना लो, फिर हम पीछे के बनाएंगे। ठीक है, तो सेम वे हम लोग पीछे के साइड चलेंगे। पीछे का एरिया जो होता है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, बिकॉज़ फिर वो लगेगा कि ऐसे हमने बन बनाया हुआ है काइंड ऑफ। ठीक है, या सी, अब ये क्या है, अब इसको जैसे हम लोगों ने बनाया तो अब मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगी अपने लिए, जैसे मैं इसको ज़्यादा बड़े नहीं करूँगी। राइट, हाँ दिखा आपको। ठीक है, जैसे मैंने लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं, अब मैं इसमें से जो ये हेयर लाइन वगैरह बनाई थी इसको हम लोग अब रब कर देंगे अंदर से हल्की हल्की, कि अब हमें हेड तो चाहिए नहीं, अब हमें सिर्फ हेयर स्टाइल चाहिए। तो अंदर से आप फिर से इसको अच्छे से रब कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब फिर से अब हम इसमें जो है बनाना शुरू करेंगे। अब मैं इसमें सबसे पहली बात तो मैं इसमें सामने से लेके जाऊंगी एक लाइन, सबसे पहले सामने से फिर पीछे से। ठीक है, फिर उसको मैंने फोल्ड दिया ऊपर से, या देखा सेंटर से मैंने कैसे ही, सेंटर से ही मैंने उसको वहां तक लेके गई। अब सेंटर में भी गैपिंग छोड़नी है हमें, तो उसको रब आउट कर दीजिए। ठीक है, ये इस तरह से। अब आओ इधर इस साइड में, अभी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, इफ़ यू डोंट वांट अब उसको रहने भी रहने दो जैसा सही लगे। ठीक है, अब हमें इस बालों में थोड़ा वॉल्यूम दिखाना है गाइस, तो जितना आप बालों को बाहर की तरफ ऐसे ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा मैं कैसे शॉर्ट लाइंस ही बना रही हूँ, सब लाइंस में कर्व्स हैं, कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट कर्व्स बना रहे हैं हम लोग, तो सब लाइन जो हैं वो कर्व्स हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मैंने ही बना दिया। इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको कलर भी कर सकती हूँ। ठीक है, या मैं पेंसिल की तरह इसमें स्केच पेन भी यूज़ कर सकती हूँ। वी कैन यूज़ स्टेडलर्स, वी कैन यूज़ स्टेडलर्स स्केच पेन्स। ठीक है, और पेंट कलर फॉर कलरिंग। ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट वट आई एम गोइंग टू यूज़, आई एम गोइंग टू शो यू दैट, अब जब हम पूरा भी कोई भी स्केच हम बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम उसको एक हल्का रब कर लेते हैं। रबिंग करने से क्या होता है कि वो पेंसिल के जो डार्क डार्क मार्क्स होते हैं ना वो हमारे कलर्स में नहीं चढ़ते, और कभी कभी होता है कि अगर हम कोई कलर कर रहे होते हैं तो उसमें वो पेंसिल के मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, और फिर वो बहुत डर्टी काम हो जाता है,
तो उसको साफ सफाई रखने के लिए उसके हमें ऐसे इसको पूरा क्लीन कर लेना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या हो गया कि हमने ऐसे लाइट कर लिया। देखो ये लाइट है, ये कितना डार्क है, इसको बस हमें लाइट करना है कि हमें लाइंस दिखती रहें, ठीक है। हमें प्रॉब्लम ना हो कि हमें क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, वो हमें क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। नाउ अब आप लोग एक चीज़ और नोटिस नोट करिएगा, जो भी हम लोग बनाएंगे हेयर स्टाइल वो आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, बिकॉज आजकल हेयर कलरिंग वेरी इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, ठीक है। तो आपके आपके पसंद का कोई भी हेयर कलर बना लो जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो मैं भी शुरू करती हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ माई स्केच पेंस हियर, जिसमें मैं अलग अलग तरह के शेड्स के स्केच पेंस ही यूज़ करूँगी, बिकॉज स्केच पेन से क्या होता है ना, हमें बहुत ही अच्छा एक लाइट का स्ट्रोक भी देना होता है हमें हमारे स्केच पे, ठीक है। तो इफ़ यू ऑल हैव अ गुड स्केच वाटर कलर पेंस हो या स्केच पेन हो तो ट्राई टू यूज़ दैट, अदरवाइज आप लोग सेडलर्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई विल शो यू द डिफरेंस, कैसे आपको सेडलर्स में और स्केच पेंस में कैसे डिफरेंस समझ में आएगा कौन ज़्यादा फिनिश्ड है, ठीक है। तो आपके ऊपर इट्स योर चॉइस कि आपको जो भी बेटर लग रहा हो आप वही ड्रॉ करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्केच पेन में मैं एक ये शेड यूज़ करती हूँ, लूना 137, ठीक है। नहीं 137 तो सबका सेम ही है आई थिंक सो। ये आई थिंक कलर जो है ब्राउन का ही शेड है, ओके। नेक्स्ट देखती हूँ मैं और कौन सा शेड है मेरे पास ब्राउन में, ओके मिल गया मुझे एक। मैं ये यूज़ करूँगी थोड़ा सा ये और एक ये, ठीक है। सेम वे मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें स्किन कलर भी थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। या एंड वाइट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा। ये मैंने इतने सारे शेड्स निकाल लिए हैं सेडलर्स के, अब ये सब ब्राउन की ही फैमिली हैं, ठीक है। एक तो वाइट की तो क्रीम हो गया, ये वाइट हो गया, देन दिस इज ऑल्सो सम लाइट ऑरेंज और येलो, ये भी आपका ब्राउन है, ये है आपका एक कलर, ठीक है। और आपका ये है लास्ट में, मैंने इतने सारे शेड्स निकाल लिए हैं, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक सम ब्लैक ऑल्सो, ठीक है, वैरेड ब्लैक। सो नाउ यूजिंग दिस आई एम गोइंग टू शो यू वन साइड, में आपको दिखाती हूँ मैं कि कैसे आप स्टेडलर से करोगे एंड एक साइड में स्केच पेन से, ठीक है। स्टार्टिंग विद द स्टेडलर, ऑलवेज यूज द लाइटेस्ट कलर फर्स्ट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें क्या करूँगी मैं, पहले जितने भी मेरे स्ट्रोक्स थे उनमें मैं एक हल्का हल्का लाइट तो पहले दे दूँगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और डार्केस्ट कलर जो है आपके पास, ठीक है, आपको जिस कलर का बाल करना है उसका डार्केस्ट कलर लो, और ये जो अपन ने लाइंस बनाए थे ना उस लाइंस पे कलर करो। यू हैव टू फॉलो द लाइंस, आप कहीं भी कलर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो लाइंस बनाई थी हमने, हमें उनको फॉलो करना है। आप कुछ भी ये मत करना कि अपने हिसाब से कलर कर दिया, ओके। यू हैव टू फॉलो द लाइंस, या सी देखा कैसे मैंने अपनी ही लाइंस जो मैंने बनाई थी उनको मैंने फॉलो करी है, ठीक है। अब फिर से मैं डार्क कलर उससे, अब मैं उससे डार्क आऊँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने लाइट यूज़ किया, ये वाला सबसे पहले मैंने यूज़ किया, फिर मैंने ये यूज़ किया, अब मैं उससे अब डार्क लेने जा रही हूँ, ठीक है। अब उससे भी डार्क क्या करेंगे हम लोग, कि उससे हम लोग और भी थोड़ी सी और डार्क लाइंस बनाएंगे, जिससे अब आप लोग को और थोड़ा फाइन हो जाएगा। अब वो हम लोग उनके इन बिटवीन बनाएंगे, ऊपर नहीं बनाएंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट इन बिटवीन सी, ठीक है। इन बिटवीन बनाने से क्या होगा कि हमें जो है लाइट और डार्क दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता रहेगा, ठीक है। बालों को हमेशा अगर अच्छे से बनाना हो तो कभी उसमें कलर फिल नहीं करना चाहिए, कलर घस नहीं देना चाहिए पूरा पूरा, ये हाँ भैया हमने कलर घिस दिया अंदर, ठीक है, वो कभी नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बेकार लगता है वो, ठीक है। ट्राई टू ऑलवेज मेक दीज लाइंस ओनली, है ना। अब इसमें हम लोग को थोड़ा शाइन वगैरह देनी भी होगी, तो याद रखिएगा हमें वाइट कलर भी यूज़ करने हैं कुछ कुछ जगह पे, ठीक है, ताकि हमें शाइन भी देना रहे। अब हम लोग आते हैं फिर से
ऐसे हम लोग लाइटेस्ट कलर वाला फेस पे आते हैं, उस पर हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू फिल द गैपिंग्स। कुछ कुछ जगह पे छोड़ते चलना, सब जगह कलर मत भरना, बिकॉज़ कुछ कुछ जगह पे जैसे हमारा वाइट स्ट्रोक भी रहना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है, सी जस्ट लुक एट द थिंग, मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, अब मैंने वापस सबको फिलिंग करना शुरू किया है। यहाँ वाला वाइट मैंने थोड़ा छोड़ दिया, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने कर दिया है कलर। अब इतना मेरा क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अब मैं थोड़ा और ब्राउन डार्क पे जाऊँगी। ठीक है, ऐसे तो उसको शार्प कर लेती हूँ मैं। सो मैंने शार्प कर लिया है। ठीक है, शार्पिन करने से क्या होगा ना कि बहुत थोड़ा और फाइन बनेगा अच्छे से। तो अब जो बचा हुआ हमारा लास्ट पोर्शन यही है कि हम लोग अब इसमें हम लोग अपने बालों में एक शेड देंगे। जैसे मैंने ऊपर से मुझे डार्क देना है और नीचे से मुझे लाइट देना है। ठीक है, तो देखो अब ये लगना चाहिए कि हाँ एक कलर्ड हेयर है। ठीक है, सी अब जो सबसे डार्केस्ट बाल है, जहाँ फोल्ड दिखा रही हूँ मैं, वहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर हल्के हल्के चलाऊंगी हाथ से लाइंस दिखाने के लिए। अंदर लाइटेस्ट चलाना है और जो सबसे डार्क स्ट्रोक है वो ऐसे डार्क कर देना है। ठीक है, इसमें मैंने एक डार्क स्ट्रोक देना था, इसमें देना था, अब बाकी सबको मैं लाइट कर दूंगी। ओके, देखा, ठीक है। और बालों को हमेशा नीचे की तरफ जब लाओ ना, तो ऐसे उनको रफली छोड़ो, बिकॉज कोई भी ब्लंट, अभी हम ब्लंट नहीं बना रहे हैं, हम तो भी सॉफ्ट कर्ल्स दिखा रहे हैं आपको, शॉर्ट है बट सॉफ्ट है। ठीक है, अब इनको फिलिंग करने के लिए आपको जैसा कलर अच्छा लगे, आपको लाइट कलर लेना हो ऑरेंज लाइट में ले लो, ब्राउन लेना हो ब्राउन में ले लो। ठीक है, आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा हो आप वो ले लो। मैंने सबसे लाइटेस्ट लिया हुआ है इसलिए मैं तो, क्यों क्योंकि मुझे उसमें ब्राउन का इफेक्ट बहुत सारा दिखाना है, उसको इतना डार्क नहीं करना है, तो इसलिए मैंने इसमें ले लिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो कुछ यहाँ लाइंस दिख रही हैं उनको भी थोड़ा ठीक कर देती हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे ही फोल्डिंग्स दिखा देनी है बस अच्छे से। ये देखें, ये और मैंने फिर से थोड़ा सा एक बार और डिफाइन कर दिया। ध्यान रहे इस कलरिंग में ये मत भूल जाना कि तुम्हारे बालों में कान भी है, तो कान वाला एरिया कलर मत छोड़िएगा। ठीक है, उसको भी डिफाइन करना ज़रूरी है, तो कान वाला भी पोर्शन हम बाद में करेंगे। अभी तो बस दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे फेस को भी कलर करते रहना है साथ साथ। मैंने अपना ये फेस का एरिया इतना कलर कर दिया है। ठीक है, ये देखो इसको भी मैंने अपने अपना जो मैं नेचुरल स्किन टोन सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये वाला ब्राउन टोन ही, इसीलिए आई हैव यूज दिस वन। ठीक है, सी अब आपको दिखा कैसे मैंने पेंसिल को यूज़ करके ये हेयर स्टाइल बनाई है। नाउ कमिंग अप टू द स्केच पेन को यूज़ करके कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने ऑलमोस्ट सेम स्केच पेन लिया हुआ है अपने वाले उस कलर के हिसाब से। ठीक है, एक डार्क येलो एक लाइट येलो है, सबसे पहले मैं लाइट येलो यूज़ करूँगी। देखो सेडलर्स में क्या होता है, हम इतना नेचुरल शाइन नहीं दे पाते, बट स्केच पेन्स में हम शाइन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केच पेन्स क्या करते हैं, आपके बालों में बहुत अच्छी बहुत ही फाइन गैपिंग्स छोड़ेंगे। ठीक है ना, स्केच पेन्स आपको बहुत अच्छे से गैपिंग करने का बहुत अच्छा वो देंगे कि हाँ आपको ये रहेगा कि स्केच पेन्स यूज़ करने से आप स्मूथ भी और बहुत ही फटाफट हेयर स्टाइल बना सकते हो। ठीक है, देखो मैंने सबसे लाइटेस्ट वाला काम कर लिया है अपना, मैं थोड़ा सा डार्क वाला लेती हूँ। ठीक है, डिफरेंस आपको खुद ही दिखेगा। आप देखो इसमें मैंने इसमें मैं बहुत आराम से इसमें मैं शाइन्स दिखा सकती हूँ। देखा, हाँ जी, ये देखिए
और ये क्या है कि स्केच पेंस में आप ट्रांसपेरेंट लुक बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव सम ट्रांसपेरेंट लुक, अब ट्रांसपेरेंट लुक आप अपने स्केच पेन को थोड़ा वापस से 2-3 बार चला दोगे तो वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, मेरा स्केच पेन थोड़ा सा वाटरी इफेक्ट देता है, इसलिए थोड़ा सा अलग क्वालिटी का है। आप लोग प्लीज़ लो क्वालिटी का स्केच पेन मत यूज़ करना। ओके, ये इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो देखो कितना स्मूथ आया है और इसमें कितने अच्छे टेक्सचर्स आए हैं। आपको जो बेटर लगता हो, जिसको आप ज़्यादा बेटर से कर सकते हो ना, वही करना। बट इसमें भी आई एम गोइंग टू यूज़ माई सेटलर्स एंड थिंग्स। ओके, तो आप इसको भी देखो क्योंकि ज़रूरी है, सेटलर के बिना फिर वो मज़ा नहीं आएगा बालों में, तो वो समझ में ही नहीं आएगा अपन को कि हमने बनाया क्या है। ठीक है, इसीलिए सेटलर्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो, अब ये वाले बालों का इफेक्ट देखिए और वो वाले बालों का इफेक्ट देखिए जो आपके पीछे था। ठीक है, कान का एरिया था। ठीक है, तो मैंने सबसे डार्केस्ट वाला पेंसिल भी ले लिया है, उसको भी मैंने कलर कर दिया है। सी, या आपको ये बेटर लग रहा है या ये बेटर लग रहा है, आपको जो सही लगता हो वैसा वाला ही कलर करना। ठीक है, मुझे तो दोनों ही सही लगता है, बिकॉज़ मेरे लिए जो कन्वीनियंट होता है मैं वही करती हूँ। ठीक है, आई डोंट नॉट ओनली बिलीव ऑन जस्ट अ स्केच पेन वाला। ठीक है, बट मेरे को कभी कभी दोनों यूज़ करना अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी मिक्स भी कर देती हूँ। बट कभी कभी सम टाइम्स लाइक ओनली इफ देयर इज़ अ ब्लैक कलर, तो मैं सिर्फ स्केच पेन यूज़ करती हूँ। ठीक है, बट अगर इफ़ आई हैव टू गिव सम फाइन लाइन्स और से मुझे कुछ चीज़ें उसमें दिखानी होती है, तब मुझे मिक्स करना होता है, बिकॉज एवरी टाइम आई डोंट हैव एवरी कलर इन माई स्केच पेन। ठीक है, दैट्स वाई मैं कभी कभी वो भी यूज़ करती हूँ, कभी कभी ये भी यूज़ करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। दो तरह से मैंने दिखा दिया आपको, एक तरह से पेंसिल की, एक तरह से स्केच पेन की। ठीक है, इसमें आपको थोड़े बहुत मैंने वाइट छोड़े हैं थोड़ा शाइन दिखाने के लिए, बट अगर आपको और भी शाइन बालों में दिखानी है तो यू शुड यूज फैब्रिक कलर्स ओवर यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का। ठीक है, थोड़ा शाइन आ जाएगा, नहीं तो फिर वाइट के स्ट्रोक्स दिखा दो, हल्के हल्के दिखा दो तो वो दिखेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, इस तरह से मुझे भी दिखानी है थोड़ी थोड़ी शाइन। और तो अब ध्यान देना, देखो इस पे देखो कितनी अच्छी वाइट की शाइन आ रही है, क्योंकि स्केच पेन था ना तो उसके ऊपर पेंसिल चल जा रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक ये तरीका हुआ है अभी सिर्फ कलरिंग करने का। ओके, और भी तरीके आपको मैं बताती हूँ आगे। सुना, कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट हेड, नेक्स्ट हेयर स्टाइल। ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो है नेचुरल ब्लैक कलर करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें मैंने सिर्फ हेयर स्टाइल बनाई है, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा हेयर स्टाइल ही हाईलाइटेड हो, हमारा चेहरा इतना हाईलाइटेड ना हो। तो हम बस थोड़ा बहुत सिंपल अपना जो है आईज आईज वगैरह पे उसको करने के लिए थोड़ा सा उसको आउटलाइनिंग कर सकते हो तो कर देना। ठीक है, जैसे ये रहना चाहिए कि हाँ हमारे फेस पता रहना चाहिए कि हाँ ये वाला हमारा फेस का एरिया है और हमने इतना हाईलाइट नहीं करना है उसको, ताकि हमें हमारा ध्यान जो है ना सिर्फ हमारे हेयर स्टाइल पे जाना चाहिए। तो दिस इज़ माई सजेशन, इफ़ यू ऑल वॉन्ट यू कैन ड्रॉ योर फेशियल फीचर्स। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी चेहरे पे कैसे कलरिंग करनी है। ठीक है, तो यूजिंग सम लाइट कलर मैं थोड़ा सा एक बार आपको कर ही देती हूँ, दिखाई देती हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक हल्का हल्का एक इफेक्ट दे दे रही हूँ कलर करके फेस पे। जस्ट आई डू जस्ट द बेस कलर। अब
देखिए, आपके जो स्टेडलर्स हैं ना गाइस, लूना वाले, वो वाटर सोलेबल भी होते हैं, ठीक है? सो नाउ बाय यूजिंग ब्रश, मैंने ब्रश को थोड़ा सा पानी में ऐसे डिप कर लिया है, भिगो लिया है, ठीक है, ऐसे। और अब ना, अगर जैसे मुझे थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट देना हो, अब मैं ज़्यादा स्टेडलर्स घिसोगे ना तो बहुत वो अनफिनिश लगता है थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा स्मूथनेस देने के लिए मैं इसमें कलर्स के कलर भी कर सकती हूँ उसी कलर्स पे। तो अब देखो, मैं कैसे, मैंने आपके सामने अभी स्टेडलर्स किए थे, अब देखो मैं यूजिंग वाटर मैं उसको ऐसा कलर का इफेक्ट दे सकती हूँ। देखा ये क्या होगा इससे, कि आपका जो वाटर लगाने की वजह से क्या होगा कि वो पेंसिल पेंसिल नहीं लगेगा, ठीक है? इसीलिए स्टेडलर्स आर द वाटर सॉल्युबल पेंसिल। आप डायरेक्टली भी स्टेडलर्स को यूज़ करके उनमें वाटर कलर इफेक्ट दे सकते हो, जिससे कि लगेगा कि हाँ आपने पेंट कलर्स ही यूज़ करें, ठीक है? ये देखिए, तो देखो मैंने कैसे उसको फैला दिया है, ठीक है? सेम वे आपको मैं नेक पे भी दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है? मैं एक बार नेक पे दिखा देती हूँ, नेक पे भी देखो मैं यही कलर करूँगी सेम स्टेडलर से, ठीक है? और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रफली ड्रॉ कर देती हूँ। देखो इसमें डिफरेंस देखो और इसमें डिफरेंस देखो, ठीक है? ये पेंसिल का इफेक्ट दिख रहा है, बट यूजिंग अ ब्रश ये आपका बहुत ही प्रॉपरली फिनिश हो जाएगा अच्छे से। ये देखो, ये क्या है कि ब्रश के पानी लगाते ही क्या होगा कि आपका कलर जो है वो मिक्स हो जाता है इस तरह से। तो आप उसमें बढ़िया से आराम से एकदम अपना वाटर कलर इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है? ध्यान से करना, आपके बाकी कलर्स भी मिक्स हो सकते हैं इसमें, इसीलिए बहुत ही लाइट लाइट चलाना और पानी ज़्यादा यूज़ मत करना, ठीक है? या अब हमको अगर इसको मान लो हेयर स्टाइल में यूज़ करना है, ठीक है? सपोज करो मैंने यहाँ पे एक हेयर स्टाइल बनाई थी, तो मैं इसमें इसमें भी इसको मैं वाटर कलर इफेक्ट दे सकती हूँ, किस चीज़ को मैं मर्ज कर सकती हूँ पानी को यूज़ करके, तो वो भी ऐसा लगेगा कि अपन ने स्केच पेन यूज़ किया है, ठीक है? और पानी बहुत हल्का सा ब्रश पे बस टच कराना है, पानी इसमें ड्रिप ड्रिप या फॉल नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ ना, यहाँ पे मर्जिंग कर सकती हूँ मैं। जैसे मान लो कोई पेंसिल का स्ट्रोक है, हम नहीं दे पा रहे, ठीक है? तो आई विल यूजिंग द ब्रश, आई विल मेक इट स्मूथ। ये ऑटोमेटिक वाटर कलर लगने लगेगा, ये देखो, दिखा? ये देखो सुनना, अब मुझे जहाँ जहाँ भी आउटलाइनिंग देने का मन हो मैं वहाँ वहाँ दे सकती हूँ। सी, अब ये देखो कितना और स्मूथ हो गया है ये, ठीक है? तो अब वो पेंसिल की लाइंस, वो पेंसिल नहीं लग रही है ना, स्मूथ लग रही है वो, जैसे कि हमारा ये अलग लग रहा था स्मूथ, वैसे ये भी स्मूथ लगती है। तो सेम वे हम लोग वाटर कलर में, हम लोग स्टेडलर्स में, हम लोग ऐसे ब्रश यूज करके वी कैन डू दिस। नाउ आई एम लीविंग द फेस बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द फेस बिकॉज आई डोंट फाइंड इट कि उसको बहुत फोकस देने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स अबाउट आवर हेयर स्टाइल, तो इसलिए हम हेयर स्टाइल पे काम करेंगे, ठीक है? अब जैसे कि अब आप लोग को मैं बता रही थी कि कैसे शाइन देना है बालों में, ठीक है? तो आई एम यूजिंग अ वाइट फैब्रिक कलर, ठीक है? या आप इसको एक्रेलिक कलर भी बोल सकते हो। इसको हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा सा अपने उसमें शाइन देने के लिए, ठीक है? तो कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये भी देखिए। जैसे आपका फोरहेड होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा शाइन बहुत ज़रूरी है बालों में, ठीक है? क्योंकि हमारा ये हेड का अपर पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारी मांग के पास थोड़ा सा होता है ना, इसे शाइन होती है हल्की सी, दिखाती है कि हमारी मांग ऐसे निकली हुई है। मैं हिंदी में बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो अच्छे से समझ लो। यहाँ पे हमें इस तरह से ऐसे शाइन देनी है हल्की हल्की, ठीक है? और ये सिर्फ आपका एक्रेलिक कलर से ही हो पाएगी, ठीक है? तो ट्राई करिएगा कि आप लोगों से एक बार में ही हो जाए, ठीक है? उस पर बार बार रबिंग नहीं करना है ज़्यादा। ओके, फिर से मैं आती हूँ, कलर उठाया मैंने, ठीक है? अब मुझे कहीं कहीं बालों में जैसे मान लो शाइन देनी है, मुझे मान लो यहाँ पे शाइन देनी है, ठीक है? यहाँ नीचे, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ऐसे इसके स्ट्रोक्स दे दूंगी। स्ट्रोक्स ऐसे देने हैं कि लगना चाहिए कि हाँ बराबर के स्ट्रोक्स हैं, ठीक है? जैसे करो यहाँ सपोज को ऐसे बाल उठा हुआ है बहुत, तो यहाँ थोड़ी सी शाइन आएगी ज़रूर से।
अब एरियाज़ को ध्यान देना कि कौन सा एरिया कितने लाइट के एक्सपोजर में है और वो कैसे उसमें शाइन आ रही है। ठीक है, तो ऐसे वैसे हम लोग ऐसे उसमें और थोड़ी शाइन दे सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमें इम्प्रूव भी करना होगा, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, विल अगेन यूज़ आवर स्टेडलर्स एंड थोड़ा सा इसमें और मर्जिंग कर देंगे उन्हीं पे। ठीक है, कि वो अलग से ना लगे, लगे कि हाँ वो नेचुरली शाइन है। ठीक है, ये देखो, तो बस ये है कि जैसे हम लोगों ने थोड़ा शाइन दे दी ना, तो उससे ये लगेगा कि हाँ मांग निकली हुई है और सेंटर से उसमें से का हाईलाइटेड है ऐसे। आपको फ्लैट रखना है, फ्लैट भी रखी है, ये रखना हो, ये इट्स जस्ट एन टेक्निक कि हाँ बहुत लोग होते हैं ना अपना हेयर स्टाइल पर थोड़ा सा बहुत शाइन देना चाहते, तो ऐसे थोड़ा बहुत दे सकते हो हर जगह पे। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, इट्स टोटली योर प्रेफरेंस। ओके, कमिंग ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट हेयर स्टाइल, जिस पे हम लोग ब्लैक स्केच पेन से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कैसे आप अपने स्टेडलर्स को यूज़ करोगे हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, सो आई एम यूजिंग डायरेक्टली नाउ आवर ब्लैक स्टेडलर। ठीक है, ब्लैक है थोड़ा सा और थोड़ा सा ब्राउन है। ठीक है, तो मैं ऐसे उसको डायरेक्टली करती हूँ, आप लोग चाहो तो ग्रे भी यूज़ कर सकते हो, थोड़े से ग्रे हेयर्स अगर दिखाने हो तो। ठीक है, तो अब मैं आई एम डूइंग नाउ साइड पार्टीशन। सबसे पहले मांग निकालना बहुत ज़रूरी है बालों में, आपको कितना बड़ा आपको हेयर स्टाइल दिखाना है और कैसे दिखाना है मतलब। ठीक है, इसमें जैसे अपन जो है थोड़ा सा बॉयकट भी कर सकते हैं, या फिर वन साइड लॉन्ग या वन साइड शॉर्ट वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा करते हैं मैं काम करती हूँ, मैं आपको एक थोड़ा सा स्टाइलिश वाला दिखाती हूँ हेयर स्टाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बॉयकट वाला दिखाती हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्टली ऐसे कलर कर रही हूँ, आई एम डायरेक्टली यूजिंग माई स्टेडलर। ठीक है, तो नाउ आई विल बी यूजिंग अगेन माई ब्लैक स्टेडलर और फिर मैं उसमें लाइन देना शुरू करूँगी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप अपने बालों का जो भी शेप दे रहे हो उसके लिए सारी पूरी अपनी लाइंस एक साथ ड्रॉ कर लो। ठीक है, और जितना लाइंस यूज़ करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। और ये देखो, मैंने यहाँ पहले अपने बालों को इक्वल कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे बाल कैसे हैं जैसा बताया आप लोग को, कि थोड़ा सा इसमें रफ़ एजेस हैं, बट एक साइड शॉर्ट एक साइड लॉन्ग बनाया मैंने। ठीक है, अब सी जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर दिया है ना, तो अब यूजिंग माय ब्रश आई एम गोइंग टू पेंट दिस। ठीक है, तो देखो कैसे अपन इसी में कलर कर सकते हैं। ये देखो, ये हो गया आपका स्टेडलर इफेक्ट, जिसमें आपने हमने हमने डायरेक्टली अपने स्टेडलर्स कोई में ही पानी मिला के उनको ऐसा वो कर लिया है। ये सबसे स्मूथ वे होता है, यू शुड ट्राई दिस ओनली, कि आप सेडलर से पहले बेस कवर कर लो, फिर उस पर हल्का सा पानी यूज़ करके उसको ब्रश से इफेक्ट दे दो। ठीक है, इस तरह से, ये देखिए, अब ब्रश मेरा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पानी है गाइस, वो ऑटोमेटिकली वो पानी जहाँ जहाँ फैल रहा है वो वहाँ वहाँ इफेक्ट दे रहा है डायरेक्टली। ठीक है, देखा, अब आपको ग्रे में देखना हो तो ग्रे में भी देख लो, देखो ग्रे भी कैसे फैलेगा अभी। ये देखो हमें बेस मिल गया ना एक तो हमारा। ओके, तो ये हमने एक साइड में ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे भी हम लोग को अगर सेडलर से देना हो तो सेडलर को भी हम ऐसे चला सकते हैं डायरेक्टली। ये देखो देखो, मैं एक गीली सेडलर चला रही हूँ गाइस, पानी उसमें ऑलरेडी फैला हुआ है और ये गीली सेडलर जो है एकदम पेंसिल का इफेक्ट दे रही है, लग रहा है कि स्केच पेन चल रहा है इसके ऊपर। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग डायरेक्टली भी अपने इस पे पहले पानी चला लो और फिर पेंसिल को उसके ऊपर से यूज़ करो। ठीक है, अब मैं हम क्या करेंगे, इस पे वापस से आते हैं, अपने ब्लैक सेडलर को लेते हैं और शुरू करते हैं इसमें
हमारा बेस कलर हो गया, देखो हमें बेस करना ज़रूरी है, बेस हम वाइट नहीं छोड़ेंगे बिकॉज़ वी आर डूइंग ब्लैक, तो इसको हम लोग वाइट नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब ब्लैक है तो हमें उसमें थोड़ा बहुत, इससे थोड़ा सा उसको निकाल देती हूँ मैं क्योंकि तो रफ़ हेयर्स हैं इधर वाले, कटे हुए वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे रफ़ एजेस निकाल दो, हल्के हल्के क्रिस क्रॉस कर दो। ठीक है, हल्का सा पीछे भी दिखा देती हूँ मैं, लगना चाहिए कि हाँ एक हाफ साइड में पे हाफ कटे बाल है इधर लंबे हैं। और अब इधर मैं आऊँगी तो इधर देखिए इधर मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ पीछे वाले बाल मेरे, ठीक है इधर वाले मैं इसने जो भी इसका जो हेयर स्टाइल है इसने इधर स्ट्रेट कराया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा लंबा दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से क्या दिखेगा कि पीछे से हमारे बाल जो हैं ऐसे यहाँ आते आते फिर वो लंबे हो रहे हैं, ओके सेम वे जस्ट फिनिश सम लाइंस हियर आल्सो, यहाँ थोड़ा सा रॉ एजेस दिखा देना। ठीक है, या देखा आप मैंने ना इसको एक वॉल्यूम दिया है बिकॉज थोड़े से इसके स्ट्रेट बाल हैं, तो गिवन है सम वॉल्यूम, और नीचे से मैं फिर से इसको लंबा और करती जाऊंगी। लेंथ विल बी टोटली अपॉन यू, आपको जितनी लेंथ डिफाइन करनी है आप अपनी लेंथ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है इट्स टोटली अप टू यू। अब मुझे अगर इसमें वाइट शेड देना हो तो फिर से मैं ऐसे वाइट अपना कलर उठाऊंगी, अपने ब्रश में वाइट कलर लूंगी, देन आई विल स्टार्ट गिविंग सम यहाँ पे थोड़ा सा शाइन। ठीक है, जैसे ये बाल अगर नीचे की तरफ फॉल हो रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी शाइन आएगी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे भी आ सकती है शाइन। शाइन तभी देना जब आपको लगे कि हाँ आपका हेयर स्टाइल अब फिनिश हो गया है, इसमें अब कुछ करना नहीं बचा है, देन ओनली यू हैव टू गिव सम शाइन, ओके। और शाइन को मर्ज करना सीखो, जब तक मर्ज नहीं करोगे तब तक वो शाइन में फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हल्का हल्का शाइन मैं यहाँ पे भी दे रही हूँ, बहुत लाइट कलर्स यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत लाइट वाइट कलर मैंने लिया तो है लेकिन मैं उसको भी बहुत अच्छे से चला रही हूँ, गाढ़ा गाढ़ा नहीं चलाना है एकदम कि आपने एकदम डार्क डार्क चला दिया और उसमें शाइन वाइन दे दिया ख़त्म कहानी, ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुझे जितनी इस बालों में शाइन देनी थी मैंने इसमें शाइन दे दिया, परफेक्ट। आई होप आप लोग को अच्छे से स्ट्रोक्स दिख रहे हों, जब आप ये दूर से देखोगे तो इस बालों में लगेगा कि इसमें आपने शाइन दी हुई है इन बालों में। ठीक है, कमिंग ऑन टूवर्ड्स फेस, इसका मैं फेस भी फिनिश कर देती हूँ एक बार, ट्राई करना कि फेस सबसे हमेशा एंड में रखना कलर करने का। और अगेन हम लोग इसमें इसी कलर को यूज़ करेंगे वापस से जिससे हम लोगों ने आउटलाइनिंग करी है, पहले मैंने ऐसे इसमें स्ट्रोक्स मार देती हूँ। ठीक है, नाउ अगेन आपको जैसे बताया था यूजिंग योर ब्रश, हल्का सा उसको भिगा लेना पानी में, ठीक है, और फिर उससे हम लोग सेडल्स अपने मर्ज करेंगे फेस में, लाइट टू डार्क रखिएगा जैसे कि होना चाहिए फेस में कलरिंग। ठीक है, और ज़्यादा बालों के पास लोगों तो बाल भी तो कलर हो जाएंगे ना फिर क्योंकि सेडल्स थे उसमें। ठीक है, तो ट्राई टू कि बहुत ध्यान से करना, ट्राई टू डू इट इतना केयरफुली कि पता भी ना चले कि आपने इसमें कैसे स्टेडलाइज करी। और अब लाइट टू डार्क शेडिंग देना बहुत सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे लाइट टू डार्क, अब गले के नीचे हमेशा डार्क होगा ध्यान देना क्योंकि गला आपका जो है वो ढका होता है आपके फेस से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे भी ढका होगा, क्यों? क्योंकि बाल हैं यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग फिर से ब्रश को हम लोग डिप करेंगे पानी में, वी आर गोइंग टू ऑल्सो फिनिश दिस, देखो कैसे फिनिशिंग दे दे रहा है,
एज सुन एज वी आर यूजिंग द ब्रश, ब्रश क्या कर रहा है, हमारे कलर को एक फिनिश लुक दे दे रहा है। अब वो जो स्मूथ लाइंस को थोड़ा सा और स्मूथ कर दे रहा है, ठीक है। तो उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि फिर हम कुछ उसमें वो करें, हल्का सा वाइट इफेक्ट देना होगा मुझे चेहरे पे भी, ठीक है। तो मैं हल्का सा यहाँ वाइट भी कर दूँगी, और कि फेस में भी आपको थोड़ा सा शेडिंग देनी पड़ेगी गाइस, हल्का सा एक साइड में लाइट एक साइड में डार्क इस तरह से करना है, इक्वल कर दो उसको वाइट कलर यूज़ करके। ठीक है, ऐसे अगेन यूजिंग द वाटर एंड पेन ब्रश हम लोग इसमें तो करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, ये डार्क होगा गाइस, ठीक है। तो डार्क ही करना, और फिर धीमे धीमे नीचे आते आते उसको लाइट कर देना, ठीक है। अब आप लोग अब की बार ऐसे ही कलरिंग करोगे, स्टेडलर्स यूज़ करोगे और फिर ब्रशेस यूज़ करोगे, उसमें फिर पानी लगा के उसमें शेडिंग दोगे डायरेक्ट, ठीक है। कोई वाटर कलर नहीं, कुछ नहीं। ये देखो हमने पूरा पहले जितना हो सकता था वो उतना शेड हो जाएगा। अब आपको और शेड देना हो और कलर करना हो तो अपने पेंसिल को डायरेक्टली चला दो पानी के इसके ऊपर, ठीक है। मैंने चला दिया, देखो कैसे वाटरी वाटरी हो गया है वो, ठीक है। अब इसमें मुझे इफेक्ट देना हो तो इसमें आप वापस से इफेक्ट दे सकते हो, उसको स्मूथ कर सकते हो। पानी के ऊपर चलाओगे तो ये देखो कैसे स्मूथ, थोड़ा सा टफ होता है उसको स्मूथ करना, इसीलिए पहले ही स्केच पेन पहले ही पेंसिल चला लेनी चाहिए, उसके बाद उसमें स्मूदिंग करनी चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार फेस पे थोड़ा सा और मैं डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बाल था हमारा तो काफ़ी सारा हमें वहाँ डार्क करना ज़रूरी होगा, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है गाइज, वहाँ स्कल है तो प्लीज़ आप वहाँ मत भूलना कलरिंग करना, ठीक है। मैं वापस से इस पे स्टेडलर्स को करके फिर से इसको एक बार एक फाइनल टच दे देती हूँ सब कुछ। अब ये आपका एकदम बढ़िया परमानेंट फेस कलर हो जाएगा। अब आपको सीधा इस पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सीधा अब आईज एंड फेस की तैयारी करनी है, ठीक है, बनाने के लिए। कमिंग आउट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन को डार्कन करना हो यूज़ योर डार्केस्ट ब्राउन पेंसिल और उसको डार्क कर दो। गीले पे चलाओ के ना तो एकदम मार्कर की तरह बिहेव करेगी ये पेंसिल, ठीक है। ये देखो बिहेव कर रही है ना मार्कर की तरह, स्मूथ चलेगी एकदम, सी एकदम स्मूथ चलेगी, ठीक है। देखा मैंने कैसे ये वाला कलर किया, ब्लैक हेयर स्टाइल वाला। अब ये देखो एक ये था हमारा एक ये था, इसमें भी शेडिंग दे दो। फिर से मैं बता देती हूँ कैसे आपको फेस में शेडिंग देनी है। फिर से हम वाइट लेंगे, ठीक है, यूजिंग द सेम वाइट कलर। अब हम चेहरे पर थोड़ा सा शेड देते हैं इसके, थोड़ा सा नेक पे भी देना है। अच्छा हाँ एक चीज़ और, कॉलर बोन्स पे भी शेडिंग देनी होगी गाइज हमें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक बार यहाँ आ जाओ देख लो, हल्का सा ये यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा, ठीक है। आगे जब हम लोग देंगे तो हम लोग ऐसे भी करना होगा हमें। अब कुछ नहीं करना है, जो हमने यहाँ वाइट किया था उसको थोड़ा सा फैलाना शुरू करते हैं एक साइड में, तो जैसे एक साइड में येलो हो गया डार्क, एक साइड में वाइट हो गया, ठीक है। इसको मर्जिंग कर दो, जब अगर एक साइड लाइट दिखा रहे हो तो उसी साइड सब कुछ फिर लाइट में होगा, ठीक है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी होगा वो सब डार्केन होगा। तो जैसे वहाँ के लिए अब मैं डार्क येलो पेंसिल लेती हूँ सबसे, और फिर मैं इस पर डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा, नीचे भी गले के मुझे डार्क करना है। यहाँ पे भी मुझे इवन इवन कर देती हूँ थोड़ा सा, मैं वाइट शाइन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
थोड़ा सा फिनिश करोगे ना गाइस तो अच्छा लगेगा देखने में अपने आप ही ऑटोमेटिक। ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है मे बी फर्स्ट टाइम आप लोग को समझ में नहीं आ सकता है, बट अगर आप लोग ये सीख लोगे ना गाइस सेकेंड ईयर में ना आप लोग फड़ल एकदम धड़ल्ले से आप लोग क्या मस्त मस्त फिगर्स बनाओगे विद एकदम अच्छी अच्छी शेडिंग के साथ। ठीक है किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ बताने की, आप लोग खुद ही कर सकते हो, ये सब बेसिक है गाइस। ठीक है ये आप लोग को आना ही चाहिए कि कैसे हमें कहाँ पे शेडिंग करनी है और फिर कहाँ लाइट कहाँ डार्क करना है। अब इसमें ध्यान दो मैंने इधर वाइट किया हुआ है तो इधर भी थोड़ा लाइट कर दिया है तो थोड़ा डार्क किया इधर भी डार्क कर दिया है। ठीक है देखो लाइट का इफेक्ट्स की वजह से देखो कितना सुंदर वो दिख रहा है कि हाँ वो लाइट और डार्क का शेड है। ओके तो ये मैंने बना दिया आप लोग के लिए पहले तो लाइट और इफेक्ट्स की शेडिंग। ठीक है ये है अपने नेक्स्ट हेयर स्टाइल पर जिसमें आई विल बी यूजिंग दीज रेड और पिंक के शेड्स विथ ग्रे वाइट एंड ब्लैक। ओके ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग टॉप नॉच बन बनाएंगे। ठीक है टॉप नॉच बन क्या होता है, वो हाई बन जो होता है ना हमारा जो सर के ऊपर ऐसे यहाँ यहाँ दो बन्स बनते हैं। ठीक है अभी मैं आपको फ्रंट पोज वाली हेयर स्टाइल्स ही सिखा दे रही हूँ इसमें क्योंकि इसमें फ्रंट फीचर्स बने हुए हैं। कुछ भी हमें अभी और भी हम बनाएंगे जिसमें हमें कुछ बैक स्टाइल में साइड में भी बनानी पड़ेंगी स्टाइल्स। ठीक है वो भी हम बनाएंगे इसमें। देखो फटाफट मैं एक बार बना देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। नाउ वी हैव मेड द स्केच प्रॉपरली एंड मैंने उसको थोड़ा सा रब कर लिया है जैसे मैंने आपको बताया था। उसको रब करना बहुत ज़रूरी है लाइट उसको रबिंग करने से आता नहीं हमारा जो पेंसिल से फिर हमको उसकी लाइन्स दिखेंगे एक्चुअली में। ठीक है अब इसमें हम लोग को ध्यान देना ये है कि हमें ना बहुत सारे इसमें स्ट्रोक्स दिखाने हैं। ठीक है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्ट्रोक्स। सबसे पहले तो मैं इसमें आउटलाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है
ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे बालों में किस तरह से बाल किधर से हमारे जो है वो टर्न ले रहे हैं, टर्न हो रहे हैं हमारे बन के साइड में, ठीक है। ये जो हमारा फ्रंट वाला बाल था उसको भी हम एक बार दिखा, उसको भी ऐसे स्ट्रोक्स उसमें दे देते हैं, ठीक है। या ऐसे क्लियर हुआ? ठीक हो? ठीक है, अब हम ऊपर वाले तरफ में जाते हैं पोर्शन में, वहाँ पे भी हम लोग ऐसे उसमें कलर्स आउटलाइन देना ज़रूरी है, इसीलिए मैं उसमें ऐसे कलर उसमें ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि ये क्लियर रहे कि हमें किस साइड से हमें उसमें कलर्स की शेडिंग देनी है। इसमें वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ वाटर कलर बिकॉज स्ट्रोक्स, हेयर स्टाइल इज़ ऑल अबाउट स्ट्रोक साइज, ठीक है। जितना अच्छा स्ट्रोक दे के बना पाओगे ना उतना उसमें मज़ा आएगी देखने में, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग द लाइटेस्ट पिंक कलर, इससे भी लाइट जो भी उसको हम फिलिंग करेंगे इसमें, ठीक है। इससे इससे इसमें हम लोग पूरी फिलिंग कर देंगे अंदर अपने, ऊपर भी, ठीक है। मैंने इस कलर से, पिंक कलर से मैंने इसमें फिलिंग कर दी है। अब यूजिंग द डार्केस्ट रेड कलर जो मैंने सबसे पहले यूज़ किया था, आगे वाले बालों में मैं उसको थोड़ा सा ब्रॉडन कर देती हूँ क्योंकि इसे यहाँ पे हम लोगों ने कर्ल्स यूज़ किया था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये जो बाल हैं ये आगे से आ रहे थे इस वजह से थोड़ा सा ये वॉल्यूम भी लगने चाहिए इतने, इसलिए आप लोग उसको बार बार स्ट्रोक देना पड़ेगा, हर बार हर स्टेप में जैसे जैसे आप बैकग्राउंड फिल करते जाओगे वैसे वैसे आपको इसमें स्ट्रोक्स और डिज़ाइंस इसमें आपको फिल करनी पड़ेगी उसी हिसाब से, ठीक है। देखा? कुछ कुछ बाल मैं ऐसे पीछे से भी ला दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि पीछे से भी ऐसे बाल आपके पीछे से ऐसे आ रहे होते हैं, ठीक है। ये भी मैं दिखा देती हूँ, ये पीछे से आए हैं, नेक के पीछे से। अब इसमें मैं थोड़ा सा और डार्केस्ट पेंसिल यूज़ करूँगी जो कि पर्पल का ही एक शेड है जिसको मैं ऊपर वाले के साइड बन के साइड में ऐसे यूज़ कर देती हूँ। देखा? हाँ, इसमें अब जैसे ये स्ट्रोक्स दिए हैं, अब चाहो तो इसमें और अच्छे से रेड कलर के पूरे बालों पे कवर कर दो, दिखना चाहिए कि हाँ बाल आपके ऊपर की तरफ सारे फोल्ड हुए हैं, ओके, जैसे मैंने किया है इसमें। अब हम बारी आते हमारी फिर से टूवर्ड्स अवर ब्लैक कलर, जिसमें हमें थोड़ा सा ब्लैक भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना बालों में। अब जब पिंक बाल भी होते हैं किसी के तो वो पूरे के पूरे पिंक थोड़ी ना होते हैं, थोड़ा बहुत तो ब्लैक जाएगा ही, ठीक है। तो अब देखो ऐसे मैं कुछ कुछ जहाँ पे ऐसे ब्लैक का यूज़ कर दे रही हूँ, ये क्या करेगा ना थोड़ा सा ये डिफाइन कर देता है, और ब्लैक कलर हल्का सा यूज़ करते ही और हमारे स्केच को भी एक शेप दे देता है जिससे कि बहुत ही फिनिश लगने लगता है फिर उस वजह से। इसमें आते हैं हम लोग, इस बार इनमें भी हमें देना ही होगा वैसे ही सेम वे। अब ये मैं लाइंस क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, जिस क्योंकि ये अंदर की तरफ बाल फोल्डेड है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्किन होगा, देखो। मैंने एकदम फुली वॉल्यूमाइज हेयर बना दिए हैं,
थोड़ा सा फ्रंट के लिए भी एक थोड़ा सा रेड कलर का यूज़ कर देती हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे निकले हुए बाल। यहाँ चाहो तो बॉब कट भी दिखा सकते हो, ठीक है, या लाइक दिस। थोड़ा सा यहाँ पे भी लाइंस दिखाना ज़रूरी है। हाँ वो सब मर्ज्ड है उसमें, ये नहीं रहना चाहिए कि वो पेंसिल अलग दिखे और वो अलग दिखे। दिख रहा कैसे हमने डिफाइन कर दिया? तो देखो जो रेड था ना वो सिर्फ रेड ही लग रहा था देखने में, और जब हमने ये कर दिया ना तो ये क्या किया इसने कि इसने प्रॉपरली उसको कलर कर दिया एकदम अच्छे से, और अब लाइंस भी दिख रही हैं कि कौन सा कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। और बालों की वजह से वो बाल भी लगने चाहिए एकदम, कॉटन कैंडी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हम एक बार थोड़ा सा इसमें फटाफट कलर्स कर लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ रेड ही यूज़ करूँगी, आई विल नॉट यूज़ एनी अदर कलर। अब इसको मैं स्किन कलर कर देती हूँ अपने फेस पे। मैंने डार्क डार्क कर लिया है स्किन कलर, बिकॉज आई विल नॉट बी यूजिंग वाटर हियर, क्योंकि वाटर यूज़ कर देंगे तो हमारे ये सारे सेलुलर्स जो हैं सब उसमें मिक्स हो जाएंगे, इसलिए हमें इसमें वाटर यूज़ नहीं करना है। इसलिए आई एम यूजिंग द डार्केस्ट पेंसिल। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क डार्क चला दे रही हूँ जिससे कि वो कलर भी हो जाए और फेस का कलर भी, क्योंकि हमें प्रॉपर ही करना है फेस का कलर, तो उसको अधूरा भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आई एम यूजिंग द स्किन कलर वॉट एवर इज दिस अवेलेबल इन योर स्टेडलर्स। लूना में जो स्किन कलर अवेलेबल है उन्हीं का कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा उसको फाइन करने के लिए आप चाहो तो व्हाइट कलर और ब्रश यूज़ कर लो को इक्वलाइज करने के लिए थोड़ा थोड़ा, बट डू नॉट टेक इट टूवर्ड्स योर हेयर, वो मिल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो मैंने उसको थोड़ा सा इक्वल करने, क्योंकि पेंसिल के स्ट्रोक्स तो पेंसिल की तरह दिखेंगे ना फिर, तो थोड़ा सा इक्वल करने के लिए मैं ब्रश यूज़ कर दे रही हूँ तो फिर वो ना लगे स्ट्रोक्स। देखा, यूजिंग वाइट अगेन टू गिव सम शाइन ओवर योर ओवर माई हेयर, ठीक है। जैसे ही ब्लैक इम्पॉर्टेंट है ना वैसे ही उतना वाइट भी इम्पॉर्टेंट है बालों में, आप देख रहे हो ना। वाइट कलर जब तक नहीं करोगे ना तब तक फिर वो लगेगा कि बहुत ही ब्लंट हेयर्स हैं, उसमें कुछ शाइन ही नहीं है, देयर इज़ नो शाइन इन द हेयर्स, फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ जैसे ही वाइट होगा ना वैसे ही उसमें बालों में देखने में फिर खूब मज़ा आने लगेगी कि हाँ उसमें भी वो शाइन है, कितनी शाइन है हमारे बालों में। तो मैं इसको फेस पे यूज़ कर देती हूँ एक तरफ की शाइन के लिए। ये भी करना ज़रूरी है आप लोग को, ठीक है। आप लोग तब तक आप लोग फेशियल की फेस की शेडिंग नहीं सीखोगे ना तब तक फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि हमें कौन से एरिया में कहाँ शेडिंग देनी है और कहाँ पे नहीं देनी है। कमिंग टूवर्ड्स कॉलर बोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ तो आपको शेड देना ही देना है, ठीक है। ऐसा यहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है हल्का सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं फेस वाला येलो थोड़ा सा और यहाँ कर देती हूँ तो वो उसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी रॉक किया है मैंने, जानबूझ के रॉक किया है कि मर्जिंग भी कर सकते हो इसमें तो कर लेना। अब इसमें मैं चेहरे पे ना एकदम डार्केस्ट यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ब्लैक यूज़ कर दूँगी तो बेकार हो जाएगा फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ब्राउन वाला शेड यूज़ उठाती हूँ और उससे थोड़ा सा मैं इसमें आउटलाइन कर देती हूँ फेस पे।
देखिए दिखा या सी द शाइन इफेक्ट, कैसे वो वाइट कलर जो है कितना बढ़िया शाइन दे रहा है इसमें। ठीक है, तो वाइट कलर देने की वजह से क्या हुआ कि वो एकदम मॉडल वाली कोकी के लिए सॉरी हेयर स्टाइल्स लगने लगती हैं। और वाइट का इफेक्ट देते ही वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, वो फ्लैट नहीं लगता देखने में, है ना। यहाँ वाले बालों में भी थोड़ा सा ज़रूरी है ब्लैक स्ट्रोक्स देना, क्योंकि हमारे पूरे बालों में ब्लैक स्ट्रोक्स हैं, इसलिए यहाँ वाले बालों को भी छोड़ना मत। तो से कर दिया है मैंने पीछे वाले बालों में भी, ये बाल हमारे आगे आ रहे थे ना। सो वी आर डन विद आवर पिंक हेयर ऑल्सो। ठीक है, ट्राई टू मेक इट। पेंसिल से मैं इसमें जो भी आउटलाइन बचे हुए हैं उन सबको आउटलाइन कर लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और पीछे के भी हेयर स्टाइल में मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दे रही हूँ, थोड़ा सा उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे लाइंस बनाना ज़रूरी है, ठीक है, और ये मत सोचना कि लाइंस नहीं बनाओगे। बेस कर दिया है हमने स्केच पेन से, तो हमें लाइंस भी तो बनानी पड़ेगी ना पेंसिल कलर्स से लेकर के, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं यूजिंग मोर थोड़ा सा और ग्रीन कलर को इसमें यूज़ करती हूँ, है ना। तो लेट मी यूज़ अ लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लाइट ग्रीन को भी फिल कर देती हूँ। ओहो, पेंसिल टूट जा रही है, ये मॉइस्चर की वजह से ना पेंसिल रखने सब पेंसिल टूट जाती हैं बहुत दिन से जब यूज़ ना करो तो वो जो पुरानी लीड रहती है ना जो अपने शार्पन करी रहती है वो सब टूटने लगती हैं। जो भी हो, देखो मैंने जो बचा पार्ट था मैंने और थोड़ा अच्छे से फिल कर लिया है, ठीक है, ऐसे। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जो ये हमारी जो लाइंस बनी थी उनको कवर कर दो अच्छे से, और मैं ज़्यादा खींचूँगी नहीं, तो अब मैं उसको फटाफट फिल करना शुरू कर देती हूँ। ज़्यादा फालतू का लंबा वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल एंड ईजी स्टेप्स जो आपको देखने हैं, फॉलो करने हैं, ठीक है। आई थिंक ये पेन नहीं चल रही है, दूसरी पेन देखती हूँ मैं, जा ओके ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसे आउटलाइंस करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी ब्लैक स्टिक पेन नहीं चल रही है तो आपको उसको थोड़ा सा देख लेना, ट्राई टू यूज़ अ मार्कर पेन। नाउ आई विल बी यूजिंग अ ब्लैक पेंसिल फिर से थोड़ा सा, ठीक है। ये पेंसिल इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ में और शेप गहराइयाँ थोड़ा सा दिखा देगी हमारे हेयर में, ठीक है। तो इसमें हम हल्का हल्का यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। ग्रीन का थोड़ा सा टच दिखते रहना चाहिए गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाल भी जो हम ग्रीन कलर भी अगर करेंगे तो एकदम प्रॉपर ग्रीन नहीं कर देंगे कि एकदम पूरा ग्रीन ही ग्रीन भर दिया, थोड़ा सा उसमें ब्लैक का टच दे देना, थोड़ा सा उसको नेचुरली रहने देना है, ठीक है। नेचुरल मिक्स में उसमें हम लोग कलर ऐड करते थे इसीलिए, ठीक है। देखा ये, अब अच्छा हमारा लास्ट स्टेप, इसमें अब हम लोग करेंगे हमारा वाइट कलर, ठीक है। तो मैं अगेन आई एम यूजिंग द फैब्रिक कलर, तो हम फटाफट करते हैं फैब्रिक कलर हमारे हेयर पे, ठीक है। और वाइट कलर जब आप फैब्रिक कलर थोड़ा सा लोगे ना तो वही कलर उससे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है,
कि वो आपके कलर में मर्ज नहीं होता, वो अलग से ऊपर उभर के आता है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वाइट कलर. तो मैंने अब यहाँ पे फेस पे आई एम यूजिंग द डार्कर पेंसिल. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको और डार्क कर देती हूँ. अब इसको मैं यूजिंग द वाटर इफेक्ट, मैं इसको वाटर यूज़ कर लूँगी इसमें डायरेक्टली. और मैंने बालों में ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी बहुत वाइट वाइट शेडिंग दे दी है जहाँ नेसेसरी थी. ज़्यादा नहीं करेंगे अपन, कम ही करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये बहुत डार्क कलर है ना, तो इसको मैं डार्क करना चाहती हूँ. बिकॉज थोड़ा सा आप लोग को ना डार्क स्किन भी सीखना चाहिए कलर करने का. एवरी स्किन इज़ नॉट ऑफ सेम कलर गाइज. ठीक है, हमारे स्किन टोन भगवान ने हमें बहुत सारे कलर्स दिए हैं, तो यू शुड नॉट बी लाइक रेसिस्ट टू योर स्केच ऑल्सो. ठीक है, उनको भी थोड़ा सा कभी कभी डार्क स्किन में बनाया करो और ट्राई करना कि यू कैन मेक दिस डार्क स्किन वाले फिगर्स. ठीक है, अब मैं इसमें और थोड़ा सा नीचे डार्क स्किन कर देती हूँ. ओके, यहाँ पे मैं फिर से ब्रश यूज़ करूँगी और इसको भी फैलाऊँगी. ठीक है, या ऐसे स्टेडलर्स पे अगर आप ऐसे ब्रश यूज़ करोगे ना, तो उसका इफेक्ट वाटर कलर वाला ही आता है. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप लोग ये वाला स्टेप जो है, जिन लोगों को नहीं आता है, यू ऑल हैव टू डू इट. ठीक है, करना ही होगा. ये नहीं कहता, ये नहीं कि आप लोग सीधा सीधा फैब्रिक कलर या पोस्टर कलर उठाए और सीधा करने लगे. ये करो, ये वाला स्टेप सीखो. ठीक है, सब लोग नहीं कर पाते इसको. और वाइट का इफेक्ट देना भी है, तो अब मैं थोड़ा सा फेस पे वाइट का इफेक्ट दूंगी अकॉर्डिंगली. और इसको मर्ज भी करते चलना है हमें. थोड़ा बहुत हमारा नेक पे भी आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैं विल बी यूजिंग थोड़ा सा पेंसिल अपना. जब हम पेंसिल यूज़ करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक हमारी पेंसिल जो है वो वाटर कलर की तरह ही काम करेगी. तो जो जो एरियाज में मुझे डार्कन करना है, मैं वहाँ डार्क कर लेती हूँ. ठीक है, देखो इस तरह से. और बाकी को भी यहाँ पे भी हल्का फुल्का, ताकि वो सब इक्वल लगने लगे, कुछ भी अलग ना लगे. सेम वे नीचे भी नेक पे जो कलर बचे हुए हैं हमारे, लाइंस जो बची हुई है वो फिनिश कर लो. ओके, या अब मैं इस पर बस फाइनल टच देने के लिए मैं एक बार इस पर ब्लैक आउटलाइन कर दूँगी. देखिए, ब्लैक जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ पे बढ़िया उसको एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दे देता है. इसीलिए ब्लैक ज़रूरी होता है करना. मैं इसीलिए बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि प्लीज़ बच्चों आउटलाइन किया करो. ठीक है, आउटलाइन करोगे ना, तो फिर आपको उसका पता चलेगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है आउटलाइनिंग का, है ना. सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मेरा पेज था टिकड़ा हो गया. स्टिल देखो, हम लोगों ने एक ये डार्क कलर का फेस एक कलर किया है. ठीक है, ट्राई करना टू डू दिस कलर. नहीं होता है तो अपना नॉर्मल वाला स्किन कलर ही करना. अब इस पर हम फटाफट मूव करते हैं इसको. तो आई विल बी डायरेक्टली डूइंग विद अ स्केच पेन. ठीक है, आई विल नॉट बी यूजिंग. ये मैंने ऐसे चोटी बना ली थी पीछे,
आपको कैसी भी चोटी पसंद हो ड्रॉ कर लेना। बट इसके लिए सबसे पहले मैं इसको आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन करना इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि मुझे ना एक बार फाइनल एक डिज़ाइन मिल जाएगा कि वो क्या उसका हेयर स्टाइल में उसका किस तरह से उसका जो है मूवमेंट है। जबकि ये पोनी टेल बन रही है, इसको हम लोग ब्रेडेड पोनीज भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दो तरह की पोनीज बनती हैं, एक इस तरह की भी बनती है, एक इस तरह की भी बनती है। मैंने थोड़ा सा ये इसको स्टाइलिश करने के लिए ऐसे बना दिया है। अब यहाँ पे जो हम दिखाएंगे वो अपना हेयर स्टाइल दिखा देंगे, थोड़ा बहुत पीछे से कैसा देखने में हमारा हेड लग रहा है। मैं आपको इसमें बैक लुक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको सिर्फ आपकी जो ये पोनी टेल है उसकी कलरिंग दिखानी थी, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक बैक लुक क्रिएट कर रही हूँ उसका वाला, ठीक है। इसमें इसका ये कॉलर वॉलर नहीं बनेगा। अब लाइन कर लिया ना, अब बाकी पेंसिल पूरी रब कर दो। ओके, आई बी यूजिंग डायरेक्टली माई स्केच पेन, तो ब्लैक स्केच पेन अगर आपके पास है तो करिए, अदरवाइज स्टेडलर जैसे सिखाया है वैसे कर लो, ठीक है। मैं तो कहूँगी एक बार मैं आप लोग को बेटर है स्टेडलर से बताती हूँ, है ना। स्टेडलर से सीखोगे ना ज़्यादा आसानी रहेगी, और अगर मेरे तरीके से जाओगे तो फिर आप लोग बोलते हो कि मैम समझ में नहीं आया और ये हमारे लिए बहुत नया है ऐसा वैसा। तो कुछ नहीं करना है, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। पहले मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर ले रही हूँ ढेर सारी, जो कि मेरे चोटी की तरफ ही जाएंगी वो लाइंस। या सेम डिस्टेंस पे लाइन फटाफट ड्रॉ कर लो ऐसे। नाउ यूजिंग माई ब्रश आई विल बी शेडिंग दिस। अब इसको मैं हल्का हल्का ऐसे कलर कर लेती हूँ, ज़्यादा मर्जिंग नहीं करना है इसमें, इसलिए हल्का हल्का ही कलर कर रही हूँ। देखा अब लाइक जिस लोग को दिक्कत हो रही थी भाई कि स्केच पेन से नहीं हो पाएगा, स्केच पेन नहीं हमारे पास, तो लो ऐसे कर लो, स्टेडलर से कर लो, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा मत लेना गाइस, सिर्फ आपका ब्रश जो है ना डिप हो जाना चाहिए ना। देखो मैं पानी चुआ नहीं रही हूँ उसमें, जब अगर ज़्यादा भिगा दोगे ना तो क्या होगा ना कि आपका कलर फैलने लगेगा फिर, ठीक है। हमें कलर नहीं फैलाना है यहाँ पे। अब मैं आउटलाइन इस पर भी करूँगी थोड़े बहुत आउटलाइन लेकर के, है ना। मैं आउटलाइन इस पर कर दूँगी तो क्या होगा कि वो कलर फिर फैलाने में आसानी रहेगी। सी दिस, इसको मैं हल्का हल्का ऐसे ब्राउन कर दिया है अलग से दिखेगा, दिख रहा। कैसी भी चोटी बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंग पे। अगर आप लोग एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो तो पैटर्न फॉलो करना, नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ कुछ भी बना लो। There is no hard and fast rule of anything. Hair style भी आजकल बहुत stylish हो गई है, okay? तो आप लोग कुछ भी बना सकते हो जैसा अच्छा लगे। बस इसमें तो कुछ ज़्यादा काम करना ही नहीं हमें, बस हमें filling कर देनी है। और स्टेडलर्स हमने कर दिया है already, filling हो चुकी है, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ नहीं करेंगे अपन, थोड़ा बहुत इसमें आप define करेंगे इसको। यूजिंग माई स्केच पेन, इसमें मैं और थोड़े से अब हेयर स्टाइल्स ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़े हेयर स्टाइल्स कह रही हूँ सॉरी, मैं थोड़ा सा बाल और इसमें दिखाना पड़ेगा ना मुझे,
इतने कम बाल थोड़ी ना रहेंगे। अब इसमें आई एम एडिंग मोर मोर लाइन्स, और यहाँ पे भी थोड़ा रॉ लग दिखाना है हमें कि हाँ रॉ एजेस हैं, शार्प या फिर बहुत फाइन एजेस नहीं हैं। और ये बाल हमारे यहाँ पे आके ऐसे मिल रहे हैं चोटी में। अब नाउ आई एम यूजिंग दिस लाइट कलर थोड़ा सा उसको शेडिंग देने के लिए। क्योंकि हल्के से बालों में गोल्डन भी मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि आजकल के फेवरेट हेयर स्टाइल्स हैं सबकी, वो को कलर में थोड़ा सा गोल्डन मिक्स करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा गोल्डन मिक्स कर देती हूँ इसमें। गोल्डन बोलो या क्रोम बोलो, अपना क्रोम वाला स्टेंसिल यूज़ कर लेना। तो कलर व्हील में जो अपन ने क्रोम कलर यूज़ किया था ना, वही वाला। अब बस अब कुछ नहीं करना है हमें, आउटलाइन कर लिया मैंने। अब इसमें तो थोड़ी, इसमें अब हमें जहाँ जहाँ हम लोगों ने पोनी टेल्स बनाई हैं वहाँ वहाँ हमें शाइन देनी होगी गाइस, ठीक है। तो जो जितनी भी हमारी पोनी दिख रही है इस पर हल्का हल्का शाइन देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ना थोड़ी सी उभरी हुई है, थोड़ा सा इस पे शाइन देना पड़ेगा हमें। और कहीं बीच बीच में जैसे दे दो, ऊपर थोड़ा ज्यादा कर देना, थोड़ा इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा पिक्चर, बट एक्चुअली में हमें ऐसे ही करना है ना। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा स्किन, इसको भी मैं कर लेती हूँ। इसमें मैं ऑरेंज स्किन कर रही हूँ, ये एक एलियन लड़की है इस वजह से मैं इसको ऑरेंज कर दे रही हूँ। देखो कुछ भी आप कोई भी कलर कर सकते हो अपना अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ टोटली ऑन यू कि आप कैसे अपने फिगर पे कलर्स, उसका स्किन कलर, उसका हेयर स्टाइल, आपका जो मन पसंद हो, आपको एवटार वाला बनाना हो एवटार वाले बनाइए, ब्लू वाले फेस वाले बनाइए, है ना। आपको नॉर्मल बनाने हैं वैसे बनाइए, देखो मैंने कलर कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक चोटी वाला लुक हो गया जो मैं आपको बताना चाहती थी। इस तरह से आप अपनी बहुत और भी जितनी भी आपको स्टाइल्स अच्छी लगती हूँ चोटी में बना ले रहा, ओके। तो वी आर डन विद आवर हेयर स्टाइल्स, ये मैंने बेसिक बताए थे आप लोग को। इसमें से सिर्फ तीन फिर से बता देती हूँ मैं, तीन आप लोग को अपने अपने खुद के स्टाइल्स बनाने हैं। अब खुद से डिज़ाइन लेकर के आओ और अपना खुद से डिज़ाइन करना, ओके।